पावरफुल सोल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो ये रीडिंग होने वाली है वो लिब्रा के लिए होने वाली है। लिब्रा आपका 2022 कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं आपके कार्ड से। इन्हें पहले मैं यहाँ रख देती हूँ, लिब्रा आपका, और ये तीन कार्ड्स पहले हम देखेंगे, उसके बाद डेक से देखेंगे, और बहुत सारे कार्ड्स मैं आज यूज़ करने वाली हूँ आपके लिए, ठीक है। तो पहले द हाउस कार्ड, तो 11th हाउस जो आपका 11th हाउस है, उसमें आपको इस तरह की जो एनर्जीज है वो नेक्स्ट ईयर काफी देखने को मिलेगी। वेयर द कॉस्मोस ग्रांट विशेस, लक, फ्रेंड, सोशल ओकेजन। तो नेक्स्ट ईयर आप ऐसा कुछ होने वाला है कि जो आपकी विशेस है वो पूरी होने वाली है, आपका लक आपका साथ देने वाला है, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, वो आपके साथ घुल मिल के घूमना फिरना मस्ती करना ये सब होने वाला है। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है तो फ्रेंड्स बन जाएंगे। यहाँ पे सोशल ओकेजन पे भी आप जा सकते हैं, काफी सोशल ओकेजन पे आपको जाने का मौका मिलने वाला है, आपके घर पे भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी नेक्स्ट ईयर होंगी। प्लैनेट कार्ड, द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर ब्यूटी सक्सेस इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल। तो वीनस नेक्स्ट ईयर जब इतना कुछ हो रहा है, आपके फ्रेंड्स आसपास हैं, आपके विशेस पूरी हो रही है, आपका लक काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लव में भी मुझे आपके लिए बहुत बेहतर नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है, और आप बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हो नेक्स्ट ईयर, इतने अट्रैक्टिव होने वाले हो, फिर कुछ तो ऐसा होगा जो आपको अट्रैक्टिव बनाने वाला है नेक्स्ट ईयर। मतलब इतनी जगहों पे आप ऐसी जगहों पे जाओगे जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, ऐसी जगहों पे, और लोगों का अटेंशन आप खींचोगे नेक्स्ट ईयर, लोगों का अटेंशन, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो आप नेक्स्ट ईयर तो रहने ही वाले हो डेफिनेटली। आप अपने में कुछ ऐसी बदलाव करने वाले हो नेक्स्ट ईयर कि बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, चाहे वो जैसा हो चेंज, वो चाहे जैसा चेंज हो, लुक वाइज हो या खुद पे कुछ ऐसे बदलाव करना, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। और नेक्स्ट ईयर आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी एनर्जीज हैं, वो उस तरह से रहने वाली हैं कि बहुत कैंसर वाली, ठीक है, जैसे कि दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग, इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर, अ चाइल्ड। काफी अपने फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव रहोगे, मदर जैसे, एक मदर जैसे होती है अपने चाइल्ड के लिए, काफी इस तरह की ऊर्जाएं आपकी रहने वाली, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत सेंसिटिव, सबसे प्यार, आपके आसपास जितने लोग हैं सब सबसे कोई ना कोई से अटैचमेंट सा, लगाव सा रहेगा आपका, सबको प्यार बांटोगे, सबकी केयर करोगे, बहुत मदर नेचर यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका, फेमिनिन साइड आपकी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है नेक्स्ट ईयर। खूबसूरती, फेमिनिन, वही मैंने कहा फेमिनिन साइड आपकी नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा हाई होने वाली, मतलब सिर्फ यहाँ आप जो भी हो आप देख रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, लेकिन सबके अंदर जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी हाई होने वाली, मतलब लविंग, केयरिंग, और ये भी हो सकता है कि अपने लुक्स का ध्यान देना, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान देना, ठीक है, अपने जो आप जिससे प्यार करते हो, आपके जो लव वंस हैं उनका ध्यान रखना, ठीक है, उनसे प्यार करना, ये कहीं ना कहीं काफी रहने वाला है नेक्स्ट ईयर। कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके। पेज ऑफ वांड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइस कार्ड्स, गोल ओरिएंटेड वाली भी यहाँ पे एनर्जी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स,
पेज ऑफ सोर्ड्स, वाओ, मतलब काफी गोल ओरिएंटेड एनर्जी मुझे आपके लिए काफी यहाँ पे फील हो रही है। द फूल, तो जो आपके कार्ड्स है ना वो ऐसा दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड नेक्स्ट ईयर रहने वाले हो, अपने गोल पे फोकस। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स, निशाना लगाते हुए, बहुत यंग एनर्जी भी है यहाँ पर, आप में से काफी लोग बहुत यंग एज में ही हैं अभी, अपने गोल को टारगेट करते हुए। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको ड्रेसिंग सेंस आपका काफी अच्छा है, काफी स्मार्ट हैं आप, आपको पता है क्या पहनना है किस ओकेजंस पे। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको आपको सजना सवरना भी काफी पसंद है, आपको लंबे बाल रखना पसंद है। नेक्स्ट ईयर आपका ये भी एक गोल हो सकता है, लंबे बाल रखना, ठीक है, आपको आप में से काफी लोग को पसंद होगा। कंफर्टेबल कपड़े पहनना आपको बहुत अच्छा लगता है, ये नहीं कि बहुत भी बहुत ही नहीं, आपको पता है क्या पहनना, लेकिन आपका जो फेवरेट वाला है लुक वो आपका कंफर्टेबल वाला है, कि जो जिसमें आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है आप वो पहन के, ज्यादातर वही पहनना आप पसंद भी करते हो। नहीं तो आपका आपका ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा, आपको पता है किस चीज के साथ क्या पहनना चाहिए तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट ईयर भी ऐसी एनर्जी में आप रहेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स, काफी मेहनत, अपने पास जो भी रिसोर्सेस है उसका पूरी तरीके से यूज करते हुए, मेहनत करते हुए, किसी को यहाँ पैसे कमाने हैं, यहाँ पे किसी को बहुत पैसे कमाने हैं, कि कहा अभी तो कुछ नहीं, मुझे बहुत पैसे कमाने लाइफ में, किसी को यहाँ पैसे की बहुत इम्पोर्टेंस पता है, उसे पता है कि हाँ मुझे पैसे की भी बहुत जरूरत है लाइफ में, मुझे पता है पैसे से ही मेरे सारे शौक पूरे होंगे, ऐसी वाली एनर्जी। जितना है जो सामान है उसी से ही, उसी पे मेहनत हो रही है यहाँ पर, पढ़ाई पे मुझे यहाँ पे ज्यादा आपकी मेहनत दिख रही है। दूसरा यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कुछ शेयर नहीं करना चाहते, किसी को अपना डिब्बा नहीं देंगे मतलब अपना यहाँ पे जो पर्स देख रहे हैं आप, मुझे किसी को नहीं देना है, थोड़ी सी ग्रीडी वाली भी एनर्जी यहाँ पे कह सकते हैं। हो सकता है आप में से काफी लोगों को गोल, जैसे कि ये एक नेगेटिव फीलिंग मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि आ सकती है, कुछ ज्यादा ही जब आप अपने जोश में हो जाते हो और काम को लेके, आप खुद को लेके, हो सकता है कि मैं ही सुपीरियर, ये चीज भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, या आप कुछ शेयर नहीं करना चाहते अपनी कोई चीज, मैं चाहती हूँ मेरे पास ही रहे सिर्फ, मैं नहीं किसी को बांटना चाहती, किसी में बांटना चाहती, ये वाली फीलिंग भी आ सकती है, तो इसका भी ध्यान रखें। दूसरा मुझे आपका आपका पढ़ते हुए मैंने कहा आप दिख रहे हो मुझे, नेचर में आपका पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, नेचर में, क्योंकि जो बैकग्राउंड की लाइट है, आइडियाज काफी बेहतरीन आपके होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, आपको इतने अच्छे आइडियाज आने वाले हैं, आप काफी नॉलेज, जैसे बुक के साथ आपका काम बहुत, बुक के साथ अच्छा कनेक्शन बन सकता है नेक्स्ट ईयर। प्लीज आपसे कहा जाएगा बुक्स जितनी हो सके उतनी उनके साथ गहरा रिश्ता बनाए आपका, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आइडियाज आप ओरिजिनेट करोगे वहां से, खूब आइडियाज आपके आएंगे, नए नए आइडियाज कुछ ना कुछ करने के। मैंने कहा ना ये रिसोर्सेस आप तक या तो पहुंच जाएंगे या आपके पास ऑलरेडी है। दूसरा ये फूल वाली एनर्जी, ये फूल वाली एनर्जी जैसे ट्रस्ट करने वाली एनर्जी है, काफी ट्रस्ट है, क्योंकि ईश्वर, तो मैंने कहा नेक्स्ट ईयर आपके सारे विशेस पूरे हो रहे हैं, आपका लक काम कर रहा है, सब कुछ बहुत ही बेहतर है आपके लाइफ में, फ्रेंड्स बन रहे हैं आपके, तो सब कुछ बहुत अच्छा है, आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ का जैसे ट्रस्ट पूरा पूरा ईश्वर पे आपका बनता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, इंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को, पॉजिटिविटी के साथ काफी। कुछ और भी कार्ड हैं आपके जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, हम उनसे भी देखेंगे आपके लिए क्या है मैसेज। एक्सेप्ट लव, आपसे कहा जा रहा है कि प्यार को एक्सेप्ट करें,
ठीक है, खुद के प्यार को भी और दूसरों भी प्यार बांटने की। यहाँ से वो विच आपको देख सकते हो, वो पोशन तैयार कर रही है, लव पोशन तैयार कर रही है जो सब में बांट सकती है, वो सब में देने के लिए अपना अपना प्यार तैयार कर रही है। यहाँ पे उसके आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शाइन हो रहा है, वो लिटिल हार्ट कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ भी हार्ट्स। और ये वो उनका खुद का प्यार है, वो उनके अंदर जो पावर है हैप्पीनेस की, लव की, वही वो लोगों में बांटना चाहती हैं या बांट रही हैं। नेक्स्ट ईयर आपकी कुछ ऐसी ही ऊर्जा होने वाली है कि आप लोगों में प्यार बांटोगे, लोग खुद आपके पास आएंगे इसी वजह से, इस प्यार के चक्कर में कि इसके साथ रहना कितना अच्छा लगता है, ये कितना मतलब, लोग सच बताएं तो लोग सिर्फ इस दुनिया में लव और रिस्पेक्ट चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये लव आपका उन यही चीज मैंने कहा ना, अट्रैक्ट होंगे लोग, ये यही रीजन है आपकी तरफ अट्रैक्ट होने का। आंसर भी हमें मिल गया उस क्वेश्चन का कि ऐसा क्या है, क्या बदलाव आप लाएंगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आंसर भी उसका मिल गया। ये आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं। शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस। वाओ, अगेन आपको ये पावर दी गई है, ये लव वाली, शेयर करिए उसे। शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। आपके पास भी सेम ऊर्जा आ रही है, ठीक है, जो आप दोगे वही आप पाओगे, ठीक है। मैंने कहा ना आपको पहले यहाँ पे इसलिए शेयर करने को कहा जा रहा, फिर वही बात कही जा रही है कि वेव ऑफ इंस्पायर एंड लव आर कमिंग टू यू, जो आप दोगे वही पाओगे। दूसरे स्पिरिट गाइड यहाँ पे, टीचर अवेकन, यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर, अगेन वही मैसेज, वाओ। फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, कुछ किसी चीज को रोको मत अपने अंदर, किसी भी तरीके से खुद को रोकिए मत, ठीक है, अपने जो अंदर से दिल से इच्छा आ रही है उसको सुने, आपसे कहा जा रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि कुछ है आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट शेयर करने के लिए, प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में सबको लव एंड रिस्पेक्ट की बहुत जरूरत है, वो प्यार, वो सम्मान, वो आपसे बहुत बेहतर तरीके से वो पा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, इसीलिए आप बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हो। नो प्लेस लाइक होम, हो सकता है घर में आपका काफी, इससे मैंने कहा ना आपके फैमिली की तरफ झुकाव हो सकता है। कैंसर की जब हमने कार्ड की ओर रीड किया था, मैंने कहा मदर चाइल्ड इस तरह से भी फैमिली की तरफ झुकाव बहुत हो सकता है, काफी केयरिंग आप होने वाले हो नेक्स्ट ईयर। मिल्क एंड हनी, ओहो, मतलब मिल्क भी हनी भी, रिचनेस अबंडेंस का कार्ड है ये, रिचनेस एंड अबंडेंस। किसी को जैसे लग रहा है कि जैसे मैंने बोला यहाँ पैसे की बहुत जरूरत है, पैसे के लिए, और यहाँ पे वो सारी चीजें मिल रही हैं, यहाँ पे अबंडेंस आ रहा है, रिचनेस आ रही है, अबंडेंस, मिल्क एंड हनी। कहीं ना कहीं मैंने कहा यहाँ पे जो लोग पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं नेक्स्ट, वो पैसे यहाँ पे देखिए, वो झोला भरता हुआ दिखाई दे रहा है और आप शेयर नहीं करना चाहते, प्लीज शेयर कीजिए, आपके पास जो है वो शेयर कीजिए, वो और बढ़ेगा आपके पास। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, आपसे कहा जा रहा देने के लिए, कुछ है जो आप नहीं दे रहे हो, वो पर्स आप छुपा रहे हो, आपके पास ये पर्स, मैं ये कहूंगी कि जो आपके पास तोहफा है ईश्वर का, जो गिफ्ट है आपके पास, आप जो दूसरों पे शेयर नहीं करना चाह रहे हो, आपसे कहा जा रहा है जो आपके पास है तोहफा गिफ्ट आपको जो ईश्वर ने दिया है, प्लीज नेक्स्ट ईयर उसे दीजिए लोगों में, बांटिए लोगों में, वो और बढ़ेगा, आपको नहीं पता वो और बढ़ेगा, और आपको इसीलिए भेजा ही गया है इस काम के लिए। पाइसीज आपके लिए बहुत अच्छा नेक्स्ट ईयर रहने वाला है, मैं आपको क्या ही बताऊं, इमोशंस आर रनिंग हाई। कैंसर के कार्ड में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि काफी सेंसिटिव, काफी इमोशनल होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर आप, तो आपकी इमोशंस भी काफी हाई रहेंगे, दूसरों का दर्द नहीं देखा जाएगा आपसे, दूसरों में खुशियां बांटना आपको अच्छा लगेगा, दूसरों के चेहरे पे हंसी आपको अच्छी लगेगी। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपके लिए ऑलरेडी आंसर एंजल्स का आया है कि अगर आप मेडिटेट करते हो तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, आपके आप जो भी पूछना चाहते हो, जो भी क्वेश्चंस करोगे उसमें आपका आंसर होगा। हेल्पफुल पीपल, आप सबकी मदद करने वाले हो, है ना, कुछ छुपाना नहीं है अपने पास, कोई पर्स नहीं छुपाना, सब बांटना, मतलब मैं ये कहूंगी कि आपको जो गिफ्ट मिला है वो सब में बांटना, ठीक है ना, नहीं तो आपको ऐसा लगे कि अरे आर्या तो कह रही थी कि पैसे बांटो। द फूल की एनर्जी, अगेन पहले भी आ चुका है ये फूल,
अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही, सेम उस कार्ड के बारे में और क्या ही बताऊं, वही चीज आपसे कहा जा रहा है, दिल खोल के बस आगे बढ़िए, ट्रस्ट के साथ, ईश्वर आपके साथ है और ईश्वर का जो तोहफा है वही आपको दुनिया में बांटना है यहाँ पर। और मैं आपको क्या बोलूं, हीलिंग, आप में से काफी लोग की हीलिंग भी हो रही है, क्योंकि ये एक्चुअली ये जो लव है ना, जो आप लोगों में बांट रहे हो और जो आपको मिल रहा है, यही मेन लव, ये हार्ट चक्र आपका, ये हार्ट चक्र ओपन होगा तब आप ये जो दिल से निकली हुई चीजें आप लोगों को दे पा रहे हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी हार्ट चक्र आ चुका है, ये आपका हार्ट चक्र जो कि ये लव की बातें करता है, दिल की बातें करता है, सब बराबर है उसकी नजरों में। हीलिंग भी आपकी उसी से होगी, जो भी वाउंड आपको मिले हैं, जो भी दर्द आपको मिला है अब तक, वो सब हील होंगे, आप चिंता ना करें। चाहे लोगों ने आपके साथ जैसा भी किया हो, लेकिन अब वो चीजें आपको प्यार के स्वरूप में आपको वापस मिलेगी। इंटेंसिटी और बहुत तेजी से ये चेंजेस होंगे, ये सारे चेंजेस जो होंगे ना आपके लाइफ में, वो बहुत तेजी से होने वाले हैं, बहुत तेजी से आपके लाइफ में बदलाव आएंगे। रिसेप्टिविटी, आपको एक्सेप्ट करना सीखना है बस। रिसेप्टिविटी ये बताता है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर वुमेन, वाटर लेडी है, ठीक है, वाटर फेमिनाइन। तो इसमें क्या कर रही है कि जो भी पानी आ रहा है वो बस उसको बहते दे रहे, एक्सेप्ट कर रही, मतलब जो भी पानी की तरह जो भी चीजें आ रही हैं, ये जो लव है, ये एकदम वाटर की तरफ फ्लो करता हुआ, एक्सेप्टेड, मतलब बहते रहना, ये रुकना नहीं है कहीं, बस बहते रहना, चीजों को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि चीजें ऐसी हैं लाइफ में, ऐसी हैं, हो रही हैं चीजें, उन्हें बस एक्सेप्ट करते जाना है, बहते जाना है, रुकना नहीं है कहीं ना। तो ये थी आपकी रीडिंग, और इससे पहले मैं आपको एंडिंग करने से पहले कुछ मंथ्स भी आपके देखने वाली हूँ, कौन से ऐसे मंथ है जो आपके नेक्स्ट ईयर बहुत फेवरेबल होने वाले हैं। ओके, कुछ तो जनवरी, पहला मंथ ही आपके लिए शुरुआत में बहुत बेहतर रहने वाला है, बहुत अच्छी चीजें होंगी आपको देखने को मिलेंगी सामने से। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, कुछ और भी देखेंगे कार्ड आपके लिए। चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड है आपके लिए। रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट योर बिहाइंड योर बैक। देखिए, हो सकता है आप लोगों के पीठ पीछे भी लोग कुछ काम कर रहे हों जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए, बट वो पीठ पीछे कर रहे हैं, उनमें हिम्मत भी नहीं है कि वो आपके आगे कर सके, ठीक है। तो आप में इतनी पावर है कि वो आपके आगे कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, आपको बस संभल के रहना है ऐसे लोगों से। बस आपके लिए एक ये ईश्वर की तरफ से एक वो आई है बात, तो उसे ध्यान देना, वार्निंग कहूंगी मैं यहाँ पर। डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। तो आपके लिए कुछ डोर्स हैं जो ओपन होना चाहते हैं, जो ओपन होंगे, तो ध्यान रखना है। कंट्रोल योर एंगर, यू विल बी सॉरी। तो थोड़ा अपना गुस्सा आपको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आप तो प्यार की देवी हैं, आप में बहुत सारा प्यार है। थोड़ा सा गुस्सा अगर आपने ज्यादा कर दिया, क्योंकि इमोशंस क्या होता है, हाई होते हैं, जैसे इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आप अपने सारे इमोशंस को दिखाओगे, अपने गुस्से को भी आप अच्छे से दिखाओगे, क्योंकि आप जिनसे प्यार करते हो उन पर गुस्सा भी बहुत बहुत ज्यादा आता है आपको। तो फिर क्या है, तो गुस्से को जब आप बहुत ज्यादा दिखा दोगे ना, बाद में आपको सॉरी फील होगा, तो इतना गुस्सा करना आपके लिए सही नहीं होगा, आपसे ये कहा जाए। फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू, हाँ, जब कोई अच्छा कर रहा होता ना जीवन में, तो उसके अगेंस्ट तो फोर्स वर्किंग होते ही है। आप जब अच्छे, कोई अच्छे से जा रहा होगा, तो लोगों से देखा नहीं जाता कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये पर्सन इतने सही से कैसे चल रही है इसकी जिंदगी, कुछ तो चलो और खराब करते हैं, है ना। तो वही चीजें हैं कि आपको बस अपने पथ पे चलते रहना है, चीजें लोग तो अपनी करेंगे ही करेंगे, ठीक है, आपको रोकने की कोशिश तो लोग करेंगे ही करेंगे, बट आपको क्या करना है ये आपको बेहतर तरीके से पता है। जब लोगों की लाइफ अच्छी होती है ना, तो लोग खराब करने वाले भी कहीं आ जाते, देखते हैं कि कैसे इसकी लाइफ इतनी अच्छी है, ये अच्छे से कैसे, ये खुश कैसे है, है ना। तो वही चीजें हैं, कार्ड्स ले लेते हैं आपके।
कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एंड एडमायर, तो हो सकता है कोई आपको दिल ही दिल चाहता है, उससे आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है, कॉम्प्लीमेंट कोई तारीफ कर सकता है आपकी, ठीक है। यहाँ पे ग्रास हॉपर आया है, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, तो जिस 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 भी प्रॉब्लम में आपको केयरफुली रहना है वो अपने आप वो बैलेंस हो जाएगी, सिचुएशन अपने आप कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ है आप पर, बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे आया है बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग, तो बहुत रईस होने वाले हैं आप कहना चाहूंगी, बहुत सारी मटेरियल्स थिंक आपको मिले, मिल्क एंड हनी ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, अगेन यहाँ फ्रूट बास्केट बाउल भी आ चुका है आपके पास, तो काफी रईस होते वो मुझे नेक्स्ट ईयर आप दिखाई पड़े हैं। रोमांस, रोमांस इज इन द एयर, कहीं कॉम्प्लीमेंट मिलना है, कहीं रोमांस हो रहा है, काफी प्यार है, हाँ काफी प्यार है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।